हेलो एवरीवन, माय नेम इज सृष्टि। आज बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। मुझे नहीं पता कितने लोग इस पर गौर करते हैं। आपने कभी नोट किया, जब भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, तो टॉपिक जो हम जिस पर हम बात करते हैं वो क्या होता है? क्या हम दूसरों के बारे में बात करते हैं जो उस वक्त वहां मौजूद भी नहीं? क्या हम अपने बारे में बात करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, या डे टू डे वर्क आपका जो भी रहता है उसके बारे में आप बात करते हैं? एक बार जरा आज चर्चा कर लेते हैं इस प्रेजेंटेशन के थ्रू कि क्या हम जब दूसरों के बारे में बात करते हैं, इज इट ओके टू डू दैट? क्या ये ठीक है? क्या ये चर्चा का विषय है? थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं साथ में, शायद समझ में आ जाए। जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं, तो क्या ये करना आवश्यक है? एक बार गौर कीजिए कि हम बातें करते हैं तो क्या करते हैं। जब अपने फ्रेंड्स के साथ, वैसे भी आजकल का टाइम ऐसा है, इतने इजीली हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिल नहीं पाते, लेकिन जब हम उनके साथ मिलते हैं या फोन पर बात करते हैं, आजकल वीडियो कॉलिंग का भी ट्रेंड है, तो किस तरह की बातें करते हैं? अच्छी बातें ये थोड़ी कम अच्छी बातें? क्या गॉसिपिंग करते हैं दूसरों के बारे में? और क्या गॉसिपिंग करना अच्छा होता है? हम सबके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं इसके बारे में। क्या हम दूसरे लोगों को उनके सिचुएशंस के हिसाब से जज करते हैं? उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने मुझे ये कहा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे ये वाला कोर्स ऑप्ट करना चाहिए था, वो इस शहर में क्यों गया, दूसरा शहर उससे बेटर था? तो क्या हम जजमेंटल हो जाते हैं लोगों की तरफ, जिस प्रकार की सिचुएशंस उनकी चल रही होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें जज करने लगते हैं? इज इट ओके टू डू दैट? क्या हम दूसरों की पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? किसी ने हमसे कोई सीक्रेट शेयर करा, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, और जब हम किसी सेकंड फ्रेंड के साथ मिलने गए, कहीं पब्लिक प्लेस पर गए, तो उस फर्स्ट पर्सन के बारे में हम बातें करने लगे। यानी कहीं ना कहीं उस फ्रेंड की पर्सनल बातें हम पब्लिकली ऐसे ही रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं और हमें रियलाइज भी नहीं हो रहा इसके बारे में। जब आप अपने फ्रेंड के साथ बैठते हो, कोई फैमिली मेंबर के साथ बैठते हो, क्या एक दूसरे का हालचाल पूछते हो? क्या एक दूसरे की तकलीफ के बारे में चर्चा करते हो, या उसके साथ क्या अच्छा हुआ? ऐसा क्या है जो आपको उस व्यक्ति से प्रेरणा स्वरूप मिल सकता है? क्या ऐसी कोई विषयों पर बात होती है आपकी? कहीं ऐसा तो नहीं, जब भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, लंबे समय के बाद मिलते हैं, हम बस उस टाइम को वेस्ट कर देते हैं, ऐसी चीजों को डिस्कस करते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है? गौर कीजिए, कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा हमारे साथ? ये सच है कि हम दूसरे लोगों के बारे में गॉसिप करते हैं, और हम ये भी जानते हैं गॉसिप करना अच्छी बात नहीं होती, फिर भी हम करते हैं। हम अपनी लाइफ के बारे में फोकस करना भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या चल रहा है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें किसकी मदद की जरूरत है, इन पर ज्यादा विचार नहीं करते। इनफैक्ट उन चीजों पर विचार करते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं, और विचार भी कैसी चीजों पर, वो कौन से शहर में घूमने गए, उन्होंने कितनी तरह की फोटोज डाली, उन्होंने कुछ गलत किया, गलत कहा। इस पर चर्चा करने से तो सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। क्यों नहीं हम अपने आप के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर लें, कुछ अच्छा सीख लें, रोज कुछ नया कर लें? हमें क्यों ऐसा लगता है कि सभी लोग गलत हैं, सिर्फ मैं सही हूं? आई दैट आई फैक्टर और द मी फैक्टर, वट एवर यू वाना कॉल, क्यों ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत हैं? जो भी मुझे कोई कुछ कह रहा है या अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है वो गलत ही कर रहा है? क्यों हम दूसरे लोगों की अच्छी साइड को देख नहीं पाते? चलो एक बार को मान लिया जाए, अगर डिस्कस करना ही है दूसरे लोगों को, तो उनकी जो अच्छाइयां हैं उन्हें डिस्कस कर लें। कोई अच्छा काम उन्होंने किया, कोई ऐसी चीज जिससे आप और दूसरे लोग मोटिवेट हो सकते हैं, उसके बारे में बात कर लें। क्यों हमें नेगेटिव साइड को ही लाइमलाइट में रखना है? क्यों हमें नेगेटिव चीजों की तरफ ही ज्यादा ध्यान देना है
क्यों हम पॉजिटिव चीजों की तरफ देख नहीं पाते। और ये भी एक फैक्ट है, मेल्स और फीमेल्स दोनों गॉसिप करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स को ही गॉसिप करने का कॉपीराइट मिल गया है, गॉसिप कैसे भी हो सकती है। जाने अनजाने में हमें पता भी नहीं चलता कि कब अचानक से एक रैंडम कॉन्वर्सेशन में हम दूसरे लोगों को ले आते हैं जो उस वक्त वहां मौजूद भी नहीं है, और उनके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इसको गॉसिप कहा जा रहा है, और गॉसिप सब जगह से होती है। तो एक्सेप्टेबल क्या है, क्या बात करें जब अपने दोस्तों से मिले, अपने पुराने रिश्तेदारों से मिले। आप अच्छी बातें कीजिए, आप अपना कंसर्न दिखाइए कि हाँ आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सामने वाला अगर तकलीफ में है और आपके पास मदद करने का थोड़ा भी जरिया है, तो वो जरिया बन जाइए, उसकी मदद कीजिए। ये जताइए, ये दिखाइए कि सच में आप सामने वाले के लिए कंसर्न्ड हैं, आप उसकी मदद करना चाहते हैं। आप दूसरे लोगों से इंस्पिरेशन जरूर ले सकते हैं और दूसरे लोगों की इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके आसपास वाले लोग भी मोटिवेट हो सके। किसी एक व्यक्ति का एग्जाम्पल यूज करते हुए दूसरों को सिखाइए। उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, ऐसी ही सिचुएशन आई, और ऐसी सिचुएशन में उसने क्या किया। तो ऐसे अच्छे एग्जाम्पल्स लोगों के सामने शेयर कीजिए। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं, उन अच्छी बातों की तरफ जरा ध्यान दीजिए और ये देखिए कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं। हम डेफिनेटली कुछ सीख सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें सब कुछ आता है, ऐसा तो नहीं होता। अब होता क्या है, दूसरे लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों का एनर्जी हमारे साथ मैच नहीं होता, या जिस एनर्जी स्टेट में वो लोग अभी मौजूद हैं उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम भी उसी तरह की एनर्जी में आ जाएंगे। ये बात ज्यादा लोग बात नहीं करते इसके बारे में, शायद हमें पता नहीं है, और पता है भी तो हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी किसी एक्स वाई जेड पर्सन की बात कर रही हूँ और वो एक्स वाई जेड पर्सन इस वक्त दुखी है, वो दुखी दुख वाले जोन में है, उसका एनर्जी फील एकदम सैड और अनहैप्पी है, तो थोड़ी देर बाद वही एनर्जी मैं भी ले लूंगी, वो एनर्जी मुझ में भी अब्जॉर्ब हो जाएगी और मैं भी कुछ उसी सैड अंदाज में बात करने लग जाऊंगी, मुझे रीजन भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि जब हम दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं, उससे बस हमारी शक्ति घटती है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हम कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे उस मोमेंट में। हाँ, किसी और की बात इसीलिए कर सकते हैं जहां हमें उस व्यक्ति का कोई एग्जाम्पल यूज करना है, किसी ने कुछ अच्छा किया, कुछ ऐसा जो मुझे इंस्पायर कर सके, वैसी बातें मैं जरूर करूं। लेकिन जो बातें मुझे बस अनप्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जा रही हैं, उनसे मुझे बचना है। और यहाँ तक स्टोरी एंड नहीं होती। बात करके हम अपने घर चले गए, फ्रेंड भी अपने घर चला गया, बाद में ओवर थिंकिंग होती है, वही वही बातें माइंड में वापस चलती हैं, रात को सोते समय भी चलती हैं, 2 दिन बाद भी चलती हैं, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली फ्लो करता है, इसी को तो ओवर थिंकिंग कहते हैं। फिर हमें लगता है, अरे ओवर थिंकिंग एक परेशानी है, एक बीमारी है, इसे कैसे दूर जाए। जब दूर जाने का समय था, तब तो आपने वो टाइम दूसरे लोगों की गॉसिप करने में बिता दिया, तो अब तो ओवर थिंकिंग होगी, अब देखना है हम उसे कैसे बच सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना है। YouTube चलाएं, वीडियो चलाएं, बातें करें अपने दोस्तों से, टाइम स्पेंड करें, जरूर कीजिए, पर अच्छी बातें कीजिए, हैप्पी हैप्पी बातें करें, एक दूसरे को इंस्पायर कर सके कि घर जाके अगर ओवर थिंकिंग हो तो इन्हीं पॉजिटिव बातों की हो, नेगेटिव चीजों की याद भी हमें ना आए। जब पुराने अपने रिश्तेदारों से आप मिले तो अच्छे अच्छे पलों को याद करें जो आपने साथ में बिताए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स देखें, कुछ वीडियोस देखें अपनी पुरानी, जिनसे आपको खुशी मिलती है। एक दूसरे को मोटिवेट करें, और इसके लिए आपको प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बनने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन फर्क बस इतना ही होता है कि क्या आप अपने मित्र को पॉजिटिविटी दे सकते हैं
व्हाइल यू आर मीटिंग विद हिम, क्या आप अच्छी बातें कर सकते हैं? तो बस इन्हीं अच्छी अच्छी बातों को अपनी कॉन्वर्सेशन में रखिए। इन सब चीजों को छोड़ना होगा अगर हम सच में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। क्रिटिसाइज करना, दोष देना लोगों को, सिचुएशंस को, परिस्थिति को, मौसम को, क्रिटिसाइज कुछ मत कीजिए, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। अपने जजमेंटल नेचर को भी बदलना जरूरी है। कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, गलतियां कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, बार बार उसे फेलियर मिल रहा है, वो शायद बाकी सबकी तरह बिहेव नहीं कर रहा, तो इसमें हमें जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। हम किसी के लिए फिक्र जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन अगर फिक्र भी एक पॉइंट से आगे बढ़ जाए तो वो भी टॉक्सिक हो सकती है। अपने आप को सार्कास्टिक बातों से, सार्कास्टिक कमेंट से दूर रखें। आपको सार्कास्टिक होने की जरूरत नहीं है टुवर्ड्स एनीबॉडी। कई बार हमें इसमें भी खुशी मिलती है जब हम अपने आसपास वालों का मजाक उड़ाते हैं, ये भी तो गलत है, इससे कहाँ पॉजिटिविटी डिराइव हो रही है। या फिर बहुत ज्यादा ओपिनियनेटेड हो जाते हैं, दूसरे लोगों की सिचुएशंस पे अपना ओपिनियन देते हैं, टिप्पणी करते हैं, पर उसकी तो जरूरत कहीं है ही नहीं, किसी ने आपसे मांगा ही नहीं आपका ओपिनियन, बट हम फिर भी देना पसंद करते हैं। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। आप और दूसरा व्यक्ति किसी भी रूप में सेम है ही नहीं। कुछ सिचुएशंस जरूर सिमिलर सी आ सकती हैं, लेकिन हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है। सब लोग अपनी जर्नी के हिसाब से, अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं, तो आपके जजमेंटल होने से कुछ होगा नहीं। वो व्यक्ति वही करेगा जो उसकी डेस्टिनी में है, जो उसके लिए सीखने के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दे, मैंने ऐसा किया तुम भी ऐसा करो। अपने आप को ना तो किसी से ऊपर मानना है, ना ही किसी से छोटा मानना है। कभी भी जेलसी वाली फीलिंग अपने अंदर नहीं आने देनी, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाले व्यक्ति की कोई भी सिचुएशन जो अभी अच्छी हमें दिख रही है, वो कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स के बाद सामने आई है। तो इसीलिए जेलस होने का भी कोई मतलब है ही नहीं। कई बार हम दूसरों को उनकी उनकी क्रेडिबिलिटी के अनुसार भी जज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। उन्हें ये वाली जॉब नहीं मिलनी चाहिए थी, वो इतना तो डिजर्व ही नहीं करते। उनकी इतनी सैलरी, मेरी इतनी ही सी सैलरी, मुझे नहीं लगता वो इतनी ज्यादा सैलरी डिजर्व भी करते हैं। हम कौन होते हैं किसी के लिए जजमेंट देने वाले? हमें क्या पता कौन क्या कितना डिजर्व करता है? हमारा ध्यान बस इतना ही होना चाहिए कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, हम कैसा काम करते हैं। अगर हम अच्छा काम करें, डेफिनेटली हमें भी कुछ अच्छा मिलेगा, क्योंकि हम अच्छा ही डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर दूसरों को अच्छा मिल रहा है, तो उस पर क्वेश्चन हम नहीं लगा सकते। तो इन सब बातों को ध्यान रखें, थोड़ा पॉजिटिव रहिए, आने वाली चीजें सब आपके लिए अच्छी ही होंगी। थोड़ा विश्वास रखिए, जरूर सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच एंड यू हैव अ गुड डे।